चीज़ें सिखा रही हूँ, एक थाई चिकन साथे है और एक थाई चिकन लेटिस रैप्स है। तो चूँकि इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन की ज़रूरत होती है, अब टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ, फिर जब तक लेटिस रैप्स बनेंगे फिर इसको स्क्यूअर्स में डाल दूँगी। Any good brand of curry powder. जी। और कितनी देर मैरिनेट? भाई मैंने तो ओवरनाइट किया है लंच के लिए, ये अभी आप लोग के सामने कर रही हूँ, कम से कम आधा घंटा तो इसमें मसाला जरा इन्फ्यूज होना, अदरवाइज इट्स नॉट द सेम। ठीक। और हम लोग आ जाते हैं लेटिस रैप्स पे। ठीक है। बस ये थोड़ी सी प्याज कच्ची पक्की करके, फिर मैं इसमें चॉप अदरक और चॉप लहसुन डालूंगी। 1 टेबलस्पून। जी जी, मैं अभी इसी में डाल दूं। मैंने अदरक। अच्छा। ये जरा इसकी खुशबू जरा इन्फ्यूज हो, इसके सब सारे जूसेस इन्फ्यूज हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें चिकन का कीमा डाल दूंगी। फ्रेश है लेटस, वाओ। हाँ, कि इसमें जो, और ये ठंडे के साथ जब भी गरम कीमा सर्व होता है ना, और इसकी स्वीट एंड सा सॉस, इट टेस्ट वेरी नाइस। इसकी साथे सॉस भी बनेगी अभी। ओके। वो भी बना दूंगी। हाफ केजी चिकन मिंस। जी। कभी मेहमान आ रहे हो अचानक तो ये फौरन फौरन आपकी रेसिपी बन जाती है। जब तक मैं ये भून रही हूँ, याकट आके चिकन के साथे को स्क्यूअर्स में लगा देंगे, ताकि फिर वो भी साथ साथ मैं ग्रिल कर दूंगी। याकट आप आइए, ये साथे इसमें स्क्यूअर्स में लगा के मुझे यहाँ दीजिए। सोया सॉस है, स्वीट चाइनीज सॉस है जी, and black pepper, chili flakes and chopped jalapenos. That's right. So simple. Very easy. और इसमें जब ये निकालने के पहले आप गाजर डालें, हरी प्याज डालें, मशरूम डालें, इस ऑप्शनल। मैंने मशरूम्स और गाजर रखे। आप वाटर चेस्टनट्स डालें, इट्स अप टू यू। जो आपके घर में पसंद किया जाता है आप वो फ्लेवर इंफ्यूज करें। अगर हैलापीनोज नहीं, आप हरी मिर्चें काट के डालें, अगर आपको ज़्यादा तेज चाहिए तो आप लाल कूटी हुई मिर्च ज़्यादा डालें, अप टू यू। वेरी हेल्दी डिशेस हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको आप एज अ स्टार्टर सर्व करेंगे। जी, दीज आर बोथ एपेटाइजर्स, यस। आपके सॉसेज इतनी कि मैं नमक कम ही दे रही हूँ। ठीक है। सोया सॉस भी नमकीन हो चुका है। हैलापीनोस 1 टीस्पून डाल दो। जी डाल दीजिए, लिखा भी 1 है ना? लेटिस रैप्स का कीमा चिकन का बिल्कुल रेडी हो गया, पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें लास्ट मुझे थोड़े से कैरेट्स डालने हैं, जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ कलर एंड अ लिटिल बिट ऑफ टेस्ट, और थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज। Smells really good. Thank you. I hope बस पसंद आ जाए। Roasted peanuts, थोड़े से तेल के दाने, इसको रैप करके आप इसको इसकी सॉस के साथ। जबरदस्त। अब ये मैंने 2 बना लिए, बाकी फिर और बना देती हूँ। जाकर तब आकर इस पे चिकन साथे ग्रिल कर देंगे। मैं और शिरीन अब टेबल पे चलते हैं, फिर हम लोग वहाँ बैठ के जब लंच करेंगे तो आपको पूरा इसका फाइनल रिजल्ट नज़र आ जाएगा।
आइए श्री। अच्छा खतीजा, जब आप फारिग हो जाएंगे जी, जब हम लंच की टेबल पे होंगे, तो आप सिर्फ साथ ही सॉस का लिखा हुआ तो सब डिटेल जी, है, जी जी, लेकिन आपने जिस तरह उसको सारी चीजों को डाल के ब्लेंड कर जी अभी कर दूं कहें तो नहीं, आप बता दें, लियाकत कर देगा वो तो रेडी है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो आपने एक प्याज लेनी है चॉप जी, अदरक लहसुन एक एक टीस्पून, चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चे 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून, फाई रेड करी पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये सब डालें थोड़े से पानी के साथ और ब्लेंड कर दें बस। और ऊपर मैंने फिर ये इसमें लास्ट ऐड करना है पीनट बटर चंकी वाला। अच्छा, तब तो उसका वो कोकोनट का लास्ट में 1/2 कप पीनट बटर डाल दीजिएगा चंकी वाला, ठीक है, मिक्स कर दीजिएगा तो वो रेडी हो जाएगी आपकी पीनट सॉस टू सर्व विद साथे। विद साथे इसकी मैंडेटरी ना, साथे के साथ पीनट सॉस साथ सर्व होती है। आइए ताकत आप खाना लगाइए।